एनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज की कुछ खास खबर हेडलाइन के साथ। सिक्योरिटी गार्ड 20 साल से शहीदों के परिवार का शुक्रिया अदा करता है। आसाम में 5 लोगों की हत्या, राजनाथ बोले कड़ी कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू बरकरार, क्या बात है। हमारे भारत में आए दिन कई जवान शहीद होते हैं, वर वीर गति प्राप्त करते हैं। सच्चाई यही है कि उन्हें कभी कोई याद नहीं रखता, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जवानों को हमेशा याद रखते हैं। पिछले 20 सालों से एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका मकसद है शहीदों के परिवारों को खत लिखना, उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा, पति या पिता खोया है ना दिल छू लेने वाली बात। आसाम के 3 जिले में उल्फा के उग्रवादियों ने गुरुवार को 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हत्या करने के एक दिन बाद शुक्रवार को भी जिले में कर्फ्यू लगा है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सेना तैनात की है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।